देखिए, 10 यूनिट का हम बात करें किसान के लिए, लगभग 3 लाख रुपए उसका स्टार्टिंग में खर्च आता है। रैबिट्स प्लस केजेज, ये ऐसे केज बने होते हैं, फीडर बॉक्स होते हैं सर, कुछ वाटर स्निपल लगी होती हैं। उसके अलावा किसान का कोई ज़्यादा खर्च नहीं आता, लाख रुपए उसके साइड के ऊपर खर्च आता है, 1 लाख से 1 लाख 20 हज़ार के आसपास। लगभग 4-4.5 लाख रुपए में किसान का एक काम चालू हो जाता है। जैसे हम उसको 100 रैबिट देते हैं, जिसमें कि 70 फीमेल होती हैं और 30 मेल होते हैं सर। 70 फीमेल जो हैं, हर 45 दिन में उसको 350 बच्चा वो निकालती हैं, हमारी एवरेज के हिसाब से। एक फीमेल से लगभग 5 बच्चों की एवरेज निकलती है, इंटू 70 करते हैं तो लगभग 350 बेबीज उसका निकलता है। 350 बेबीज 90 दिन में बिकने के वो लायक होता है, लगभग 2-2 केजी का उसका वजन हो जाता है, जो कि मार्केट में लगभग 1,40,000 के आसपास का सेल होता है। वो हमारे हिसाब से जो हम किसान को एग्रीमेंट देते हैं, लगभग हर 45 दिन में उसका जो प्रोडक्शन तैयार होता है, 1,40,000 के आसपास का सेल करता है वो। हम उसमें लगभग 50-60% एक्सपेंस उसका मानते हैं, जिस लाइक कि वो दाना खिलाता है या कोई मेडिसन्स है, या उसमें से कुछ मोटिलिटी हो जाती हैं, या फिर उसको हमारे पास छोड़ के जाने का ट्रांसपोर्टिंग लगता है। उसको जो हम एवरेज निकाल के देते हैं किसान को, लगभग 25-30 हज़ार का महीने का एक एवरेज हम निकाल के देते हैं कि डेफिनेट उसको प्रॉफिट आता है। क्या होता है कि जैसे ये पूरा हमारा फीमेल का रहता है पूरा लाइन, इधर में सर मेल का रहता है। सूरज निकलने से पहले हम एक अच्छा टाइम मानते हैं क्रॉसिंग के लिए। जैसे कि ये फीमेल जो होता है, तो फीमेल को उठा के हमें मेल के डोर में हमें डालना पड़ता है। मैं थोड़ा प्रैक्टिकली दिखा भी देता हूँ आपको। जस्ट लाइक ये फीमेल होता है, तो हमें मेल के डोर में इसको डालना पड़ता है सर क्रॉसिंग के लिए। जो बच्चे देने का जो टाइम जो होता है, 28 से 32 दिन का टाइम रहता है सर बच्चे देने का फीमेल का। रैबिट के फीड में देखिए, हरा चारा जैसे होता है, एक टाइम तो हम हरा चारा डालते हैं सभी रैबिट्स को, जैसे कि बरसीम हो गया, रिजका हो गया। सेकंड, एक एजुलूशन करके ग्रास आता है रैबिट के लिए, वो काफ़ी अच्छा और प्रोटीन्स वाला, मतलब हरा चारा हम बोलते हैं उसको। दाने में जैसे नॉर्मल दाना होता है तो घर पे ही ग्राइंड हो जाता है, कि जैसे मक्का हो गया, सोयाबीन का खल हो गया, सरसों का खल हो गया, अपना गेहूं का चोकर हो जाता है, जौ हो जाता है, तो ये राइस पॉलिश जैसे हो गया फैट के लिए, ये सब चीज़ें हम मिलाते हैं और दाने में डालते हैं। इसका एक तो कोस्टिंग वाइज किसान को अच्छा रहता है कि 20 रुपये केजी के अंदर में ये सब आ जाता है। एक तो हम मीट के लिए भी इसको सेल करते हैं, प्लस जैसे गवर्नमेंट के लिए हम गवर्नमेंट को सप्लाई करते हैं, जितनी अपना यूनिवर्सिटीज होती हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी होती है, वैक्सीन डिपार्टमेंट होते हैं, उनमें दवाइयों के लिए हम इसको भेजते हैं। रैबिट्स में देखिए, बहुत ज़्यादा वैक्सीनेशंस की या कोई इंजेक्ट की या कोई अदर मेडिसन्स की ज़्यादा नीड नहीं होती है। इसका जो मीट जो होता है, इसके अंदर कैस्ट्रोल जो है वो 0% होता है। जैसे पोल्ट्री को भी हम कंपैरिजन करते हैं इस बिजनेस के साथ, उसमें 64 डिजीज होती हैं। रैबिट फार्मिंग के अंदर कोई ऐसी बीमारी नहीं है। प्लस जो फैट है, रैबिट मीट के अंदर कोई फैट नहीं है। जो हार्ट पेशेंट है उसके लिए मीट इसका काफ़ी अच्छा माना गया है। सर देखिए, दोनों चीज़ मैंने इसमें देखी है, कंप्यूटर एजुकेशन में भी और फार्मिंग में भी। फार्मिंग में, रैबिट फार्मिंग में मुझे काफ़ी अच्छा लगा, प्लस प्रॉफिटेबल भी मेरे को ये बिज़नेस उससे कहीं ज़्यादा गुना अच्छा लगा। मैं रैबिट फार्मिंग से बहुत अच्छा प्रोग्रेस किया हूँ। मैंने ज़मीन भी अपना परचेज किया है, कुछ गाड़ी भी मैंने जोड़ा है, शहर में मैंने मकान भी लिया है, तो एक दो चीज़ें मैंने बहुत अच्छी, मतलब रैबिट फार्मिंग से किया है।